नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा और आप देख रहे हैं एबीएनएन टीवी। जिस्म पर सेना की वर्दी लेकिन बिल्ला किसान का, आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। जवान कौन, किसान का तो बेटा है, आज उसका बाप यहां रोड पे है। तो मैं पूर्व सैनिक, जो हमें ये पहने का राइट है, यहां पे बैच और बिल्ला नहीं होना चाहिए, ये हमारा राइट बनता अधिकार है, और उस कारण से आज हम अपने बाप का साथ देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जी सर, परसों जो लाल किला पर झंडा फहराया गया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सरकार की और साथ दिल्ली पुलिस की मिली भगत थी, उस योजना को अंजाम दिया गया। सीधे तौर पर मैं आरोप लगा रहा हूँ, पूछिए अब क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हमारे मार्ग को डाइवर्ट किया गया, हमें एक रूट प्लान दिया गया था, उस पर प्रोटोकॉल होता है। मैं पूछता हूँ कि सिर्फ जो नेता उन्हीं को, जो पायलट गाड़ी आगे चलते उन्हीं के लिए, ये जो लाखों की भीड़ जा रही है, जो वास्तव में अधिनायक जनगणमन है, उनके लिए क्यों नहीं? उनके लिए क्यों नहीं रास्ते पर तीर का निशान बनाया गया था? क्यों नहीं हर जगह झंडी से इशारा किया जाइए? तीन बार आप पत्रकारों के माध्यम से बताया गया, हमने खुद देखा कि तीन बार जो हमारा रूट था उसको बंद किया गया, अलग मार्ग भेजा गया। तो क्या मनसा थी, हमें क्यों नहीं उस रूट जान दिया गया? फिर वहाँ गए तो वहाँ रोड बंद, तो आखिरकार क्या मनसा थी, कैसे, क्यों? भाई लाल किले तक व्यक्ति कैसे पहुँचा, इंडिया गेट पर कैसे पहुँचा? क्या उस जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी, क्या उनको पूरा किया? जो हमारे अधिकारी डीजी तक उसको पूरे एक एक चीज़ को, मूवमेंट को देख रहे थे सीसीटीवी कैमरे के जरिए, हर मूवमेंट को हर जगह से रिपोर्टिंग हो रही थी, जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो क्यों नहीं रोका गया? क्या जब इस देश में बम फट जाएगा, लाल किला, राष्ट्रपति भवन उड़ जाएगा, उसके बाद समन भेजेंगे आप? जो अब समन आ रहा है कि ऐसा क्यों किया गया, उसके पहले सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया गया, इस सवाल का निशान खड़ा करता है सरकार और दिल्ली पुलिस पर। जी तो सर, परसों जो भी हिंसा हुई है उसमें कहा जा रहा है कि किसानों की तरफ से पहले बैरिकेड तोड़े गए थे, उसके बाद में पुलिस वालों ने आंसू के गैस, जो भी उनका एक्शन था पुलिस वालों ने बाद में लिया था, पहले किसानों की तरफ से हुआ था। देखिए वो कह रहे हैं ना, सारी बातें कोर्ट में तय हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि हमारे मार्ग डाइवर्ट क्यों किए गए, हमें बंधक क्यों बनाया गया, क्यों? तो वो आदमी जाएगा इधर बैरिकेड्स बंद इधर बंद, तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जनता निकलने का प्रयास करेगी। हमें लगा हम खुद साइड से उतर के चुपचाप निकलने लगे कि दिल्ली पुलिस से क्या मनसा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें रोका गया, बाधित किया गया, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई अन्य जो सुनियोजित खड़न था उसको शामिल किया गया, जो पूरे देश को परिलक्षित हो रहा है। क्योंकि लाल किले में सेंध, ये पूरे देश को सोचने का विषय है कि जब लाल किला ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। जी आपने जो बोला, प्रश्न किया कि लाल किले पर किसानों ने तोड़फोड़ किया, झंडा लहराया, वो किसान थे ही नहीं। लाल किले पर जो गए वो किसान थे ही नहीं, वो उपद्रवी थे, वो या तो सरकार की साजिश थी, मैं बता रहा हूँ, या तो सरकार की साजिश थी ये करवाने की, या आंदोलन को बदनाम करने की। नहीं तो ये बताइए, जो सरकार एक धरोहर लाल किला को नहीं संभाल सकती, वो देश को क्या संभालेगी? उसकी जिम्मेवारी बनती है कि लाल किले पर एक नहीं लाखों लाशें गिर जाए, लेकिन लाल किला की रक्षा करे, लेकिन वो लाल किला की रक्षा नहीं कर पाई। अगर वहाँ पर, मैं बता रहा हूँ, कोई भी यहाँ पर किसान नहीं गए हैं, वो वही गए हैं कि सरकार जिनको वहाँ पर भेजी है, यदि सरकार नहीं भेजी है तो उनमें नाम भी दो चार को आए हैं, उनको फांसी पर लटका दो। और यहाँ पर छोटा मोटा लाल किला हमारे और आपका घर जैसा नहीं है, 50-100 सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनसे देखिए कौन कौन उसमें है, और एक एक को चुन करके सजा दीजिए उसमें। प्रशासन की सरासर नाकामी दिखाई जा रही है। जी देखिए, सरासर प्रशासन की नाकामी है, क्योंकि प्रशासन के ही हाथ में सारे घटक होते हैं, जो भी एजेंसियां हैं, जो भी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, वो सारी प्रशासन के हाथ में होती हैं। एक आम नागरिक के हाथ में तो होती नहीं है। अगर मैं किसी को बोलूं कि आप इधर से क्यों जा रहे हो, रुको यहाँ पे, तो रुकेगा? नहीं रुकेगा। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन जिसको अथॉरिटी है वो अगर कहेगा तो बिल्कुल रुकेगा। और लाल किले में जो हुआ है वो बड़ा शर्मनाक है, हम इसकी निंदा करते हैं। और जिन्होंने भी वहाँ पे असामाजिक तत्वों ने, अराजक तत्वों ने वहाँ पे अराजकता फैलाई है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है और राष्ट्रहित सर्वोपरि है, तिरंगा सर्वोपरि है, उससे बड़ी ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना कोई व्यक्ति विशेष है, सबसे बड़ा देश है। सर, रात को क्या क्या हुआ है यहाँ पे? रात को हमारी बिजली काट दी गई, परसों भी काटी गई थी, सोचा कि कहीं खराबी होगा, रात को बिजली काटी गई, एक दहशत का माहौल पैदा किया गया। यहाँ पे बहू बेटियाँ जवान बहनें हैं, वो रात को घूमती रहीं,
कि कुछ, क्योंकि खड्डन चल रहा है, कभी असली किसान, कभी नकली किसान, कभी खालिस्तानी, कभी झूठे, कभी लाल तिरंग, वहाँ लाल किला। तो हम भयभीत थे। जो यहाँ कल पुलिस की जो परसों तक दीवारें थी 25-30-40-50 खड़े, सब कुछ नहीं था। रात को बिजली चली गई। आज हमें पानी उत्तर प्रदेश सरकार जल निगम ने पीने का नहीं दिया। ये स्थिति ये बनी हुई है आपके माध्यम से। क्या यही लोकतंत्र है? आप लाल किले की बात कर रहे हैं, आम जनता यहाँ मरे मारा जा रहा है, पानी नहीं, आज पानी हमें नहीं दिया जल निगम का, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये हमारे साथ हो रही है, बाकी चीज़ें आप देख ही रही हैं। हमें हमें खालिस्तानी, हमें माओवादी, हमें देशद्रोही बताया जा रहा है। विपक्ष जो कथित मीडिया है, वो विपक्ष का काम करती है, उसको सवाल सरकार से पूछने चाहिए। वो हमसे पूछ रही है कि क्यों गए, कैसे गए, उनसे नहीं पूछ रहे क्यों जाने दिया। कल मान लीजिए कल कोई बड़ा विस्फोट होता था, तो जब प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा था तो आपको रोकना चाहिए था। आज सम्मन भेज रहे हैं, जब सांप निकल गया तो अब लाठी पीट रहे हैं। सम्मन से पहले वो कार्रवाई उचित होती, पूरा देश देखता है, लेकिन उन्होंने जानबूझ किया। आज पूरा लोकतंत्र खतरे में है, पूरा देश खतरे में है, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आज हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, कोई बहुत बड़ी घटना घट सकती है, क्योंकि पूरी इधर पूरा जंगल है, पूरी पुलिस रहती थी, आज कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका भी अंजाम हमारे पर फोड़ा जाए कि ऐसा क्यों हुआ। आप बताइए, आप थे आंदोलन कर, सुरक्षा देना किसका काम है, पानी देना किसका काम है? हम पाकिस्तानी हैं, हम चाइनीज हैं, हमको पानी नहीं दिया गया। जिस दिन इस देश का अन्नदाता आपको गेहूं, दाल, चावल, सब्जी नहीं देगा, आपका क्या होगा? आपकी हम सांसें बंद कर देंगे, अगर हमारी सांसें बंद करने का प्रयास किया तो। सुरक्षा की भावना आ गई है, बिल्कुल जंगल है चारों तरफ, जिस तरह साजिश रची जा रही है, बहन है, बेटी है, कोई कुछ घुस कर छड़खानी कर दे, कोई बात हो जाए तो क्या होगा बताइए? तो असुरक्षा की भावना, हम सुरक्षित नहीं, हम यहाँ पे पानी नहीं, बिजली नहीं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लोकतंत्र की हत्या है। और न्यूज में से चला है कि इसको मार के भगा दिया गया, अफवाह, ये भी एक अफवाह। गाजीपुर बॉर्डर में देख रहे तमाम लोग हैं, लेकिन कहा गया कि यहाँ से चले गए, लाठीचार्ज हुआ, बिजली का आप सुनी रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम बड़ा व्यथित हैं, क्या हमारा खूबसूरत लोकतंत्र यही है? मेरा दिल रोता है, मैं रोता हूँ। क्या पूर्वजों ने इसी के लिए बलिदान दिया था कि यही आम जनता को देखना पड़े रोड पे? हमें सड़कों पर, आप संसद में सोते हैं, हमके सड़कों पर नहीं रहने देते, हम पे कैनन चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, दीवारें खोद देते हैं रोड में, क्या यही लोकतंत्र है? हम अहिंसात्मक रूप से, देखिए किसान गए एक बात पर आ गए, हम दिल्ली में रुक भी सकते थे, लेकिन प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया, नहीं तो चाबी बंद करके ट्रैक्टर खड़े हो सकती थी, आप निकाल नहीं पाते। लेकिन अहिंसक हैं हम, देश के संविधान में आस्था रखते हैं, हम वापस आ गए, लेकिन लांछन हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर कुछ नहीं, सरकार को क्लीन चिट दी जा रही है। तो वही सवाल करने वाले, वही सजा देने, वही पूछने वाले, सम्मान देने वाले, इसका सब ये जनता तय करेगी, भारत भाग्य विधाता जनगणमन तय करेगा। ये देखिए, ये गोदी मीडिया द्वारा कल कितनी मतलब फैलाया गया कि गाजीपुर बॉर्डर बंद हो गया, गाजीपुर बॉर्डर से किसान भाग गए, चले गए, और बता रहा हूँ खाली दिख रहा है, इतना भ्रम फैलाया गया, और फैलाया ही नहीं गया, भगाने की कोशिश भी किया गया, भगाने की कोशिश किया गया, इस तरह के माहौल पैदा किया गया, यहाँ तक कि उनके आदमी जो लगे हैं इसमें, हमारे से, इनसे, उनसे आकर के बोलते रहे कि पुलिस अब लाठी लेके आ रही है, पुलिस हमला करेगी, आप लोग जल्दी से जल्दी भाग जाओ, लेकिन फिर भी कोई नहीं भागा। फिर भी नहीं भागने के बाद उन्होंने 10:30 बजे लाइट भी काटा कि अब हमला होने वाला है, फिर भी कोई नहीं भागा। और आप पूरा मीडिया, आप गोदी मीडिया नहीं है तो पूरा घुमा करके दिखा दीजिए कि गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी मंच चल रहा है, अभी भी सब कुछ लगा है। और रह गई बात कि गोजर के एक पैर टूट जाने से गोजर का चलना बंद नहीं होता है, गोजर चलता ही रहता है, एक पैर टूट गया तो क्या फर्क पड़ता है, गुजर चलेगा जब तक उसका मकसद नहीं होगा, जहाँ तक उसको जाना है वहाँ जाकर ही रहेगा। सर आगे का क्या, आगे क्या रहेगा? जब तक बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं, हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। हमने 65 जीता, 71 जीता, करगिल जीती, हमारी जीतने की आदत है, ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। न तिरंगा कभी झुका है न झुकेगा, न हिंदुस्तान टूटा है न टूटेगा। जय जवान, जय जवान। जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, मुद्दे की बात, एमएसपी बात करिए, इवेंट मत चलाइए, हम मुद्दे की बात करेंगे, हमारा ध्यान एमएसपी पर है, एमएसपी बात कीजिए, भटकाइए मत एमएसपी। ये थे बीएसएफ रिटायर्ड मणिदेव चतुर्वेदी, जिनके रिटायरमेंट के 3 साल हो चुके हैं, जो आज गाजीपुर बॉर्डर में किसानों के समर्थन में खड़े हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं मनीषा झा, EBNN TV दिल्ली।